बड़ा ही दर्दनाक हादसा आज दरभंगा शहर के नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत जित्तूगाछी फुलबाड़ी ठाकुरबाड़ी में घट गया है, जहां आपको बता दे वृंदावन घाट में आज सब मिलने से हड़कंप मच गया। बताया जाता है कि आपसी विवाद में गोली मार दिया और सबको छत विछित कर दिया। जी हाँ, मोस्ट वांटेड नगर थाना क्षेत्र का अपराधी साजन ठाकुर का नाम आ रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि पुरानी मुंसफी वार्ड नंबर 25 के रहने वाले हीरा सहनी को उन्होंने मौत के घाट रात में उतार दिया। वारदात की घटना रात के 12:30 बजे से 1 बजे बीच की बताई जा रही है। सभी बैठकर सिगरेट पी रहे थे, वही उक्त अपराधी साजन ठाकुर के साथ में, जो कुछ ही दिन पहले जेल से छुटकर वापस घर आया हुआ था, और उसने गोली भी मार दी और सबको छत विछित भी कर दिया, काट भी डाला। इस बात की घटना की जानकारी जैसे ही घर वालों को लगी, कोहराम मच गया। मौके पर कई थानों की पुलिस, एसडीपीओ सदर अमित कुमार, एसडीएम विकास कुमार दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। एफएसएल दरभंगा टीम भी मौके घटना पर पहुंची, जहां गोली मारकर वारदात को अंजाम दिया गया। एफएसएल की टीम भी पहुंच करके वहां पर गहन छानबीन की, टेक्निकल सेल भी पहुंची हुई थी, कई थानों की पुलिस भी मौके घटना पर पहुंची हुई थी। वही आज छठ के दिन इस प्रकार का घटना होना कहीं ना कहीं दहशत फैल गया हुआ है। आपको बता दे कि ये मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है, जो कि विगत कई कांडों को कर चुका है। साजन ठाकुर बेल पर छूटकर वापस आया था और पुनः कुछ कांड कर दिया। अमूमन जो हत्या होती है इस तरह का, वो छुट्टी का दिन या फिर त्यौहार के दिन को ही क्रिमिनल्स क्यों सेलेक्ट करते हैं? त्यौहार के दिन ही ये हत्या हुई है। देखिए, ऐसा कोई रैशनल नहीं है कि त्यौहार के दिन ही सेलेक्ट करते हैं। ये होता है कि यहाँ पुलिस की रास्ता उन चीज़ों में होती है, इसका मौके का फायदा उठाया जाने का एक संभावना बनती है, लेकिन फिलहाल कुछ भी कहना इस पर। अभी आए घटनास्थल पर, सीन क्रिएट किया, सारी चीज़ों को देखा, और बहुत जल्द आप उद्भेदन भी करते हैं जी। क्या समझ में आया और कब तक इस केस का उद्भेदन हो जाएगा? समझ में ये आया है कि दोनों पक्षों की आपस में बातचीत होती थी, बातचीत के क्रम में उसे यहाँ बुलाया गया है, बैठे हैं, कुछ विवाद हुआ है, उसके बाद ऐसी घटना की गई है। एक व्यक्ति है जो बता रहा है कि वो वहाँ पर मौजूद था, उस पर भी चोट के निशान कुछ दिख रहे हैं, विशेष पूछताछ के बाद ही सामने आता है। उद्भेदन होगा, बिल्कुल। कैसे, क्या घटना हुआ है? सर, लड़का है, उनका दोस्त संजीव नाम है जी। जी, शुरू से बता रहे हैं हम जी। जी, बताइए। संजीव वो लड़का, संजीव नाम है उसका जी। वो आया सिगरेट लेने टावर पर, दरभंगा टावर पर आया, तो टावर पे हम चाय पी रहे थे, शॉर्ट खरीदने गए, चाय पी रहे थे वहाँ पे, चाय पी रहे थे। कितने बजे? कितने बजे? करीब 12:30 बजे रात में पिछली बीती रात 12:30 बजे तो गए वहाँ पे। तो ये जो है लड़का बोला कि चलो आते हैं, हम कह बोले के ला तो तुर भाई आए ला, मौसी के बेटा हो, चल आए ला। कहाँ पर? हम बोले कहाँ पर? वृंदावन घाट में। वही बोला वृंदावन घाट में आया हुआ। तो हम कह के ला, वो कराया ला वृंदावन घाट में। तभी हमको जब से तभी हम नहीं बैठ जाने का दिल था हमको, तभी हम चले गए। यहाँ पर आए तीनों के हाथ में इधर देखे, तीनों यहाँ पे आया, बातचीत किया, वो भी बातचीत किया, उसके बाद बातचीत किया तीनों। तो बातचीत करके फिर बोला कि सिगरेट पीते पीते ख़त्म हो गया, तो फिर बोला कि सिगरेट लेके आते हैं। तो तीन आदमी फिर गए हम तीनों, संजीव नाम का लड़का है, वो हीरे का दोस्त किया, और हम और हीरा गया, तीनों गए। तो उधर से आए, वापस आए, तो ये अपना मिर्ज़ापुर से मोबाइल लेना सर भूल गया, तो मोबाइल वोबाइल लेके आया। तो हीरा बोला कि हम फ़ोन आ रहा है, चल ना साजन के फ़ोन आ रहा है, जल्दी चल ना, फ़ोन आ रहा है। तो अकेले जाने लगा, हम बोले कि वो संजीव के आवे देना, तुरंत आवे देना, ओकर बाद चलिए ना, वो भी आ रहा है, तुरंत चलिए, रुक ना। तो अकेले मतलब जाने लगा, तो रुक 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 चल, चले चलो। तो इसको बोला कि पीछे से, तू इसको बोल दिया पीछे से, तुम फ़ोन करके आओ। ये बोला कि ठीक है, वहाँ पीछे से
यहाँ पे आए आए तो ही लोग यहाँ पे चार पांच आदमी था, खुपरी था, मरैया यहाँ पे, ठीक है, मरैया यहाँ पे आया तो बोला कि यहाँ पे मरैया आया, देखते बोला कि इसको हीरा को, अरे तो हमारा 50,000 रुपया तो हमारा तो उठा के ले जाते है, हमारा तो उठा के ले जाबी, तू तो इतना मजा लो, दो गो बंदूक रखा हाथ में। कौन दो गो बंदूक रखा था? राजन ठाकुर। अच्छा, दो गो बंदूक रखा हाथ में, बोला कि तू उठा के ले जाबी हमारा, हीरा को बोला तू उठा के ले जाबी हमारा, तब ये सब बात हम कहे छोड़ो ना यार, कहला तुम अपने अपने भाई से लड़ रहे हो, कंधे फिर बात वो सब करा तो हम बोले हमारा बाथरूम लग गया, ठीक है, फिर बाथरूम लग गया तो गए ऐसे खाली पैंट खोले खोले तुरंत फायरिंग का आवाज़ आया खुपरी में से। अच्छा, मरैया में से आवाज़ आया हम तुरंत आए, देखे ये दोनों हाथ में बंदूक रखा हुआ, दो गो फायरिंग किया लगातार, समझे, वो इनाते पकड़ के बैठ गया। अच्छा, हमको भी इनाते बिरा दिया तो हम उसका बंदूक पकड़ लिए, जो बात है पकड़े तो ये उसका एगो लड़का पीछे से मारा हमको उंगली पर, देखिए जो पीछे से मारा नस पर लगा, खून रोकने का नाम नहीं ले रहा, नस पर, और देखिए जो यहाँ पे पीटी पे मारा हमको पंगड़िया से, जो बांस काटने वाला पंगड़िया रहता है उससे मारा हमको मारा, उसके बाद हमको राजन ठाकुर ले गया गली में, तो गली में पिस्टल भिरा के ले गया, जो दो गो तीन गो तीन गो चार गो लड़का जो था वो आया मेरे भाई को हीरा को गली में ला के पगड़िया लेके आया, गली में लेके आया, उसके बाद काटा। अच्छा, तो आप लोग को पता नहीं था कि साजन ठाकुर जो है अपराधी है, पूर्व में भी जेल गया हुआ है, तो उस सब के साथ हम लोग रात में कैसे बैठते हैं? नहीं तो सबको मालूम था, मगर इसको नहीं ना मालूम था कि जो ये अति है, इसका दोस्त था, दोस्त के तरह गया। अच्छा, दोस्ती में ऐसा कर देगा नहीं ना मालूम था। मृतक का क्या नाम है? हीरा सानी। कहाँ के रहने वाले हैं वो? वो पुरानी मुंसिपा, पुरानी मुंसिपा के पास रहने वाले हैं। यही नेशनल सीमा। कितनी गोली लगी हुई है उनको? दो मरते आवाज सुने हम। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम सोनू कुमार हुआ। आप दोस्त हैं उनके? भाई है, मौसी का बेटा मेरा। आपके सामने ये सारी वारदात हुई थी? जी, मौसी का बेटा मेरा। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम किला घाट बाजीतपुर। आपके वार्ड के एक बच्चे की हीरा सानी की हत्या कर दी गई है सुबह में, क्या कुछ जानते हैं, क्या आप तक जानकारी पहुंची और क्या कहना चाहते हैं? जानकारी ये पहुंची कि मॉर्निंग में मैं जब रूम में अपने चाय पी रहा था तो जानकारी मुझे मिली कि ऐसे हत्या हो गया है फला व्यक्ति का, उसके घर पर जब गए तो जानकारी मिली कि फला वृंदावन घाट पे उसकी बॉडी है, वहाँ यहाँ तक आए हैं। यहाँ पर आने के बाद जानकारी ये मिली कि दो व्यक्ति जिनका नाम हम नहीं जानते हैं, आप लोग ऑलरेडी उनका बाइट ले चुके हैं, उन लोगों के कथन अनुसार कि इन लोग के रहते हुए उसकी हत्या की गई है। विशेष तो ये लोग बता सकता है, कहीं ना कहीं ये लोग हो सकता है, ये लोग भी इन्वॉल्व हो जो बात को छुपा रहा है। हमको ऐसा लग रहा है कि इस बात को ये लोग छुपा रहा है, क्योंकि जो परिस्थिति देख रहे हैं आप आने के बाद, तो अगर ये दोनों व्यक्ति से सही तरीके से प्रशासन अपने स्तर से पूछताछ अगर करती है तो हमको लगता है कि अभियुक्त जल्द से जल्द पकड़ा जाए। चलिए, आप पार्षद हैं? नहीं, उसके बारे में विशेष जानकारी नहीं। हत्या का कारण क्या हो सकता है ये तो हमको नहीं पता है, साथ रहता होगा वही बता सकता है। क्या नाम है? फिरोज आलम, वार्ड 65।